हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आकांक्षा दुबे के बारे में। आकांक्षा दुबे जो सोचे भोजपुरी जगत का एक सुपर स्टार होने वाली थी, उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो सोचे शाम को रील बनाती हैं और सुबह वो उनकी मौत हो जाती है। वो रील में यही कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी कठिन से कठिन प्रॉब्लम हो, उसको आसानी से निकल जाइए और जिंदगी में आगे के बारे में सोचिए, पीछे कुछ भी हो उसको भूल जाइए। तो सोचिए कि वो जो इतना मेहनत करने वाली, जो इतना स्ट्रगल करने वाली लड़की, और वो अचानक उनकी मौत हो जाती है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो उनका बनारस के होटल में कि उनका मौत हो गया, लेकिन इस मौत के कारण सोचिए कि जो इनका बॉडीगार्ड या इनके समर सिंह के साथ वो काम कर रहे थे, समर सिंह को भी दोषी बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं समर सिंह दोषी भी है। इसका रीजन ये है कि समर सिंह को पहले वो अच्छा बताती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद, उसे 6 महीना पहले उनका बातचीत उनसे होना बंद हो गया था समर सिंह से। तो समर सिंह को फिर गलत बता रहे हैं कि अगर समर सिंह, अगर हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इसका दोषी समर सिंह है। तो इसमें समर सिंह को पुलिस पकड़ के हिरासत मिली है और उनसे पूछताछ कर रहे हैं पुलिस। लेकिन देखिए अब इसका क्या निकलता है रिजल्ट। हम तो यही कहेंगे कि जो इसका गलत है, इसको अच्छी तरह से बारीकी से जाँच किया जाए। और इनका माँ, जो कांचा दुबे की माँ है, वो पूरा पूरा समर सिंह को दोषी बता रही है। और कहीं ना कहीं समर सिंह दोषी भी है, भले वो खुद कुछ भी किया हो ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं फोर्स करके ये लड़की को वहाँ हद तक पहुँचाया गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि इसको बहुत बारीकी से जांच किया जाए और जो भी दोषी मिले उसको कठिन से कठिन सजा के दिया जाए। क्योंकि जो लड़की मेहनत करके अपने माँ बाप घर परिवार में आगे बढ़ रही है, उसको इस कदर अगर उसकी मौत हो जाती है तो ये बहुत ही बुरा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों के मन में क्या है जरूर कमेंट करिएगा। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।